guys, what's up? Welcome back to Jashree. I am Jagruti Pandey and I recently went to Kedarnath Yatra. It was an amazing experience. Vlog is coming super soon, so please stay tuned. But usse pehle ye jaanna bahut zaruri hai that what are the things you should keep in mind if you're planning for Kedarnath Yatra in coming days or months or so. So, before wasting much time, let's quickly dive into the video. तो सबसे पहले आती है planning. I think आपको सबसे पहले ये plan कर लेना चाहिए कि आपको जाना कैसे है. अगर आपके पास अपना personal convenience है, well and good. But remember that you should be an experienced driver, क्योंकि normal driving और पहाड़ों की driving में बहुत difference होता है. So yes, if you're going through your personal convenience, great. But अगर आपको book करके जाना है, तो I would suggest at least 45 days पहले या एक महीना पहले आप बुकिंग डेफिनेटली कर लो. अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे बुकिंग्स मिल तो जाती हैं, बट इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव. हम लोगों ने बुकिंग की थी एक महीने पहले. काफी ट्रेजेडीज हो गई लेटर ऑन, बट ये हमने एक महीने पहले बुकिंग कर ली थी. एंड यार, वहां पे बुकिंग का ऐसा सीन है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई गाड़ी गई है आपको वहां पे छोड़ करके वापस चली आई. नहीं, अगर आपका 4 डेज का टूर है, आपका 5 डेज का टूर है, तो वो गाड़ी आपको पर डे के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग मिलती है. एंड वो गाड़ी आपके साथ जाएगी, जहां पे भी उसका एक पार्किंग वाला स्पेस है वहां पे वो पार्क हो जाएगी. एंड देन आपकी पूरी यात्रा जब तक आप करोगे तब तक वो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी. तो इन शॉर्ट बात ये है कि आपको उस गाड़ी का चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा. हम लोगों ने जो बुकिंग करी थी वो हमने 30 डेज पहले बुक करा था. एंड बुकिंग के टाइम पे हमें जो चार्जेस बताए गए थे, दैट वॉज सम 8,000 रुपीज पर डे. ड्राइवर्स के नंबर्स आप इजीली जस्ट डायल या फिर गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो. ऋषिकेश और हरिद्वार से बुकिंग्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं. आपको 8,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग आपको गाड़ियां आराम से मिल जाएंगी. बट ये चार्जेस तब है जब आप थोड़ा पहले बुक करोगे. अगर आप यात्रा के ऐसे समझो कि अगर आप आज प्लान करो और आपको 3 दिन बाद यात्रा जानी है, तो आपको बहुत महंगा मिलने वाला है. मतलब लूट मचा रखी है लोगों ने. बट स्टिल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें 8,000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग गाड़ी मिली थी. बट जो हमें उन्होंने बिल दिया था उसमें ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ 3 डेज मेंशन किया था. लाइक हमारी यात्रा होने वाली थी 4 दिन की, सो 8 × 4 = 32. तो उन्होंने जो हमें बिल दिया था दैट वाज फॉर ₹32,000. बट जो उन्होंने डेज मेंशन किए थे उसमें वो 3 दिन मेंशन किए थे. तो बुकिंग मैंने कराई थी, तो मैंने बाद में उन्हें बोला व्हाट्सएप पे, तो दे सेड नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा. फिर एकदम से समझ लो कि आज एंड कल से हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली. वी वर 12 पीपल एंड काफी सारे लोग इधर उधर से आए हुए थे. सो यात्रा के एक दिन पहले उन्होंने कॉल किया, उन्होंने हमें बोला कि आप यात्रा 4 दिन की कर लो. एंड आई वॉज लाइक, यात्रा तो 4 दिन की थी. एंड देन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप फिर 42,000 एक्चुअली पूरा एग्जैक्ट वो अमाउंट मांग रहे थे. बट देन वी फेल्ट, मतलब बहुत चीटेड जैसा फील हो रहा था कि यार हमने ऑलरेडी 30 डेज पहले बुकिंग कर ली थी, एंड देन लास्ट डे आके आप ऐसा सब नॉट एंड की बता रहे हो. बट एनी वेज, फाइनली वो बुकिंग हमें कैंसिल करानी पड़ी क्योंकि बहुत सीन उल्टा पुल्टा हो गया था. तो मुद्दा ये है कि जब भी आप बुकिंग कराओ, अगर आप 30 डेज या 45 डेज पहले बुक करते हो, तो जो रिसिप्ट है उसमें आप बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी रखो. जो डेट्स हैं आप एग्जैक्ट वही डेट्स की रिसिप्ट भी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे काफी पंगा हो जाता है. सो यस, उसके बाद हमने जो गाड़ी बुक करी, हालांकि वो हमें 44,000 रुपीज की टोटल पड़ी. बट एनीवेज, पॉइंट नंबर 2, यार ये देख लेना बहुत जरूरी है कि आपके साथ में जो क्राउड जा रहा है वो यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं या ओल्डीज हैं. क्योंकि जो चढ़ाई है वो डेफिनेटली इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि लोग इतनी श्रद्धा लेके जाते हैं. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो नंगे पैर पूरी 21 किलोमीटर की चढ़ाई कर जाते हैं. बट चढ़ाई कंपेरेटिवली अगर आप वैष्णो देवी से कंपेयर करोगे तो येस, इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट. तो अगर आप पेरेंट्स साथ में लेके जा रहे हो एंड अगर उनको कोई मेडिकल इश्यूज हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 महीने पहले से हेलीकॉप्टर बुक कर लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है. एंड काफी आराम से आप ऊपर पहुंच जाओगे, दर्शन भी हो जाएंगे, एंड देन आराम से नीचे आ जाओगे. वरना डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है चढ़ाई, क्योंकि मौसम जो है वो कभी भी बदलता रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है. देन बारिश की वजह से ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वो, मतलब वो बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है. तो यस, पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, एटलीस्ट 2 महीना पहले आप हेलीकॉप्टर बुक कर लो, वेल एंड गुड. अदर ऑप्शंस जो आपके पास हैं, अगर आप वहां जाके देखना चाहते हो, तो घोड़े हैं, खच्चर है, पालकी है एंड पिट्ठू है. ये सब ऑनलाइन बुक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वहां जाके ही देखना पड़ेगा. एंड घोड़े थोड़े से बारिश में रिस्की हो जाते हैं क्योंकि फिसलते हैं. तो यस, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की है. तो अगर आपके पास ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दोज ऑप्शंस. एंड देन पालकी भी काफी कन्वीनियंट होती है, क्योंकि पालकी में क्या होता है कि 4 लोग आपको लेकर के जाते हैं. पिट्ठू में है तो एक अकेला इंसान आपको पीठ पे लाद के जाता है. तो पालकी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट पालकी भी वहां जाके मिलती नहीं है. तो पालकी के लिए अगर आपको चाहिए, आपके साथ में ऐसा है कोई कि पालकी ही चाहिए आपको, तो आप पहले से जाके लाइन में लगो. अगर आप ये सोचोगे कि आप 10 बजे जाओ और आपको पालकी मिल जाएगी, तो नहीं, पालकी मतलब बहुत टाइम लग जाएगा. तो आप पहले से जाओ एंड थोड़ा वेटिंग लाइन में लगोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी. सो दीज आर दी ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो. बट नन ऑफ दिस आर कंपेरेबल टू कि जो आप चढ़ाई करके जाते हो, पद यात्रा करके, वो एक्सपीरियंस
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आप सारे लैंडस्केप्स इंजॉय करते हुए जाते हो, रास्ते में इतने सारे झरने हैं, एंड बारिश अगर हो भी जाती है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ठंड वंड सब मैनेजेबल होता है. तो बारिश हो भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से भीगते हुए चढ़ाई करते हुए चले गए, एंड इट्स अमेजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्लान इज प्लानिंग योर स्टे, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ के जाते हो तो एक रात आपको स्टे ऊपर करना ही पड़ता है. सो आपके पास दो ऑप्शंस है, वन इज टेंट एंड वन इज रूम्स, जो कि अवेलेबल है ऊपर मंदिर के एकदम बहुत पास में. बट उसके लिए आपको काफी पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको थोड़े कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे. हमें तो नहीं मिल पाई थी बुकिंग, क्योंकि ऑनलाइन हमने जहां पर भी पता किया एवरीथिंग वॉज बुक्ड बिफोर, एंड हमने ये जो पता किया था ये 15-20 डेज पहले पता किया था. तो आई थिंक जो बुकिंग्स होती हैं ऊपर होटल्स की, वो एक महीने पहले सब बुक हो चुका होता है. सो द अनदर ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद, आई थिंक द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज टेंट्स. एंड हम टेंट्स में रुके थे ऊपर. टेंट्स जो है वो मंदिर से थोड़ा एटलीस्ट 1 किलोमीटर पहले पे हैं, गवर्नमेंट के टेंट्स हैं. सो फैसिलिटी वाइज इट्स ऑल फाइन. हमें मिले थे ये टेंट 600 रुपीज पर पर्सन के अकॉर्डिंग, एंड यस, सो दिस इज द चार्ज. एंड टेंट्स की हालत इज फाइन, बिस्तर है, बट बारिश वारिश जब हो जाती है, जैसे हमें जो हालत मिली थी टेंट की, गद्दे काफी गीले थे. मतलब ऐसा नहीं था कि गीले गद्दों पे सोना पड़ा, बट जब आप टेंट पे एंट्री करते हो तो काफी सारे गद्दे पीछे, सो जो स्टार्टिंग के गद्दे हैं वो गीले ही हैं, आप उन पे पैर रखोगे तो आपको ऐसा गीला गीला फील होगा. तो बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको सर पे एक छत मिल जाती है, सो इट्स गुड. ये तो बात हो गई प्लानिंग की, एंड अब आते हैं पैकिंग पे. चारों धाम की जो यात्रा है उसमें से सबसे लंबा एंड डिफिकल्ट जो ट्रैक है वो केदारनाथ यात्रा का है. सो यू डेफिनेटली नीड टू प्लान डिफरेंटली, क्योंकि आप जब चढ़ाई स्टार्ट करते हो, चढ़ते हो और जब ऊपर पहुंचते हो, तो जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत, मतलब बहुत डिफरेंटली चेंज होती हैं. तो आपको जो पैकिंग है वो उस अकॉर्डिंग करनी पड़ती है. हो सकता है बारिश हो भी, हो सकता है ना भी हो, बट अगर हो गई तो क्या. इसलिए आपको, मतलब दोनों वेदर, तीनों एक्चुअली, बारिश ठंडी एंड गर्मी, तीनों के अकॉर्डिंग, धूप, सबके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए. सो कमिंग बैक टू योर पैकिंग, अ पेयर ऑफ वार्मर्स, अ जैकेट, सॉक्स, वुलन सॉक्स वो भी, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा हो जाता है. एंड इसके अलावा कैप्स, ग्लव्स इफ यू आर यंग तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट येस इफ यू हैव ओल्डीज विद यू तो ग्लव्स भी काफी जरूरी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड इज रेनकोट, क्योंकि बारिश बहुत भयानक वाली हो जाती है. जब हम लोग गए थे तो ऐसा था पूरे दिन बारिश हुई थी. हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी फ्रॉम अराउंड 12, एंड जब स्टार्ट की थी तो काफी धूप थी, हम टोपी वोपी लगा करके या धूप से बच रहे थे, एंड एक घंटे के बाद इतनी भयानक बारिश जो स्टार्ट हुई है, बहुत बहुत भयानक बारिश हो गई थी. वैसे अगर आप रेनकोट भूल भी गए हो तो भी वहां पे इजीली एक्सेसिबल हो जाता है. सोनप्रयाग की जो मार्केट है वो काफी लंबी मार्केट है, एंड अगर आप वुलन भी कुछ भूल गए तो वहां पे मिल जाएगा. बट यस, एंड अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले से लेकर के जाओ, वरना लास्ट मिनट रश करने की क्या ही जरूरत है. सो यस, रेनकोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वन पेयर ऑफ स्लीपर्स, क्योंकि जब आप चढ़ाई करके जाते हो तो यूजली आपके शूज जो है वो गीले हो जाते हैं. तो आप यस, एक पेयर ऑफ स्लीपर्स बहुत जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ टॉर्च. जब आप उतरते हो, मोस्ट ऑफ द क्राउड जो उतरता है वो रात, मतलब हो ही जाती है, एंड जो लाइट्स वहाँ पे लगी हुई है काफी डिस्टेंस पे लगी हुई है, सो टॉर्च भी एक बहुत जरूरी चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, पावर बैंक, क्योंकि ऊपर हो सकता है आप टेंट में अगर आप रुकते हो तो आपको वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, प्लग भी नहीं मिलता है ढंग से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पावर बैंक साथ में लेकर के जाओ. टेंट्स में ठंड से बचने के लिए आपको रजाई वगैरह इजिली प्रोवाइड हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता है. एक ही चीज में इशू होता है, दैट इज लाइट एंड चार्जिंग प्लग वगैरह में. सो इसी के लिए आपको पावर बैंक पहले से पैक करके रखना चाहिए, उसे फुली चार्ज करके रखना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेंट की सर्विसेज आर फाइन, अगले दिन आप सुबह उठो, बट ये है कि नहाने वहाने का थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि जो वॉशरूम्स होते हैं वो थोड़े गंदे हैं. तो यस, आप देख लो, अगर आपको ऐसा लग्जरी स्टे चाहिए तो आप एटलीस्ट 2 महीने पहले प्लान करो एंड ऊपर होटल्स ले लो, एंड इफ नॉट देन आपके पास टेंट्स के ऑप्शन तो इजीली अवेलेबल है ही. पैकिंग की पूरी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो वाइल पैकिंग योर बैग्स यू कैन जस्ट यू नो गो थ्रू इट, एंड आप देख सकते हो कि क्या चीज़ आप भूल रहे हो, सो प्लीज चेक दैट आउट. तो कमिंग ऑन, व्हेनेवर यू पैक फॉर द बैग जो आप ट्रैक में लेके जाने वाले हो, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट नंबर वन इज कि वो बैग ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए. वो ट्रैवल वाले बड़े बड़े जो बैग्स आते हैं वो लेके ट्रैक मत करना, बहुत परेशान हो जाओगे, बिकॉज उनमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेट होता है. जो आप उसमें सामान रखते हो, देन उसको लेके चढ़ाई छोटी मोटी नहीं है, 21 किलोमीटर की टोटल चढ़ाई है, सो मेक श्योर वो बैग ज्यादा बड़ा नहीं हो. पॉइंट नंबर टू इज कि बैग में रेन कवर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, सो बैग में रेन कवर इज अ मस्ट. पॉइंट नंबर थ्री इज कि रेन कवर काम तो करता है, बट जब ज्यादा एक्सेसिव बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपके बैग में अंदर जो भी सामान है वो गीला हो जाता है. तो जो भी स्पेशली आप बैग में कपड़े रखते हो उनको एक्स्ट्रा पॉलिथिन के साथ में, पॉलिथिन में रैप करके रखो, ताकि
रेन कवर से होके जो आपके बैग के अंदर पानी जाए भी तो आपके कपड़े गीले ना हो, हम इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा झेल गए थे। जब ऊपर पहुंचे तो बैग के सारे कपड़े ऑलमोस्ट गीले हो चुके थे एंड हाउ वी मैनेज वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो जब आप वो बैग लेके ऊपर पहुंचोगे, वो बैग खोलोगे, उसमें से आपको सूखा सूखा सा सामान मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू पैक एवरीथिंग इन पॉलिथिन्स एंड एक्स्ट्रा पॉलिथिन्स कैरी करके जरूर जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर मैं आपकी पूरी केदारनाथ यात्रा को समराइज करूँ तो ऐसा होता है कि अगर आप आज आपने सुबह स्टार्ट किया है, सपोज हरिद्वार या ऋषिकेश से स्टार्ट किया है, तो आज आप पूरा दिन क्या करोगे, आज आप पूरा दिन ट्रैवल करोगे। एंड माई पर्सनल एडवाइस कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी स्टार्ट करो, अदरवाइज आप काफी लेट पहुंचोगे। आपको सोनप्रयाग में स्टे करना है, आपको गौरीकुंड में स्टे करना है, या हो सकता है पहले भी स्टे करना पड़े जैसे हमारे साथ हुआ था। तो आज आप पूरे दिन आपने ट्रैवल किया, देन सपोज आप सोनप्रयाग पहुंच गए तो आपने सोनप्रयाग में स्टे ले लिया वहां पे, एंड देन आप आज की रात आप सोनप्रयाग में रुकोगे, देन अगले दिन सुबह उठोगे, सोनप्रयाग से एक लंबी लाइन लगती है जिसमें ट्रैवलर में बैठ के आपको गौरीकुंड तक जाना होता है। आप उस सुबह लंबी लाइन में लगोगे एंड देन गौरीकुंड पहुंचोगे, देन अगले दिन आप गौरीकुंड से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है, देन आप पूरा दिन चढ़ाई करोगे, चढ़ाई करके आप ऊपर पहुंचोगे, रात को स्टे लोगे, क्योंकि यूजुअली अगर आप चढ़ाई करके जा रहे हो तो उसी दिन आपके दर्शन नहीं हो पाते हैं। रात को दर्शन हो गया तो अच्छी बात है, बट यूजुअली ऐसा हो नहीं पाता है। तो आप रात में गए, आपने आपको वहां पे स्टे लेना पड़ेगा, टेंट में सोए या फिर आप होटल में सोए, जैसे भी आपने प्लान करा होगा। एंड देन उसके बाद में अगले दिन सुबह, मतलब आज का दिन निकल गया, कल का दिन पूरी चढ़ाई में निकल गया, एंड थर्ड डे जो होगा आपका, उस दिन आपने सुबह दर्शन किए, तो सुबह भी वहाँ पे लंबी लाइन लगती है, आपने दर्शन किए, एंड देन उसके बाद दर्शन के बाद खा पी के तुरंत लोग उतरना स्टार्ट करते थे क्योंकि उतरने में भी पूरा दिन निकल जाता है। देन आप उतर के आओगे तो अगेन आपको लेट हो चुका होगा, इतनी हालत किसी की नहीं बचती है कि सीधा सोनप्रयाग से आप वापस अपने घर के लिए निकल पाओ। तो उस दिन भी ऐसा होगा कि आपको स्टे लेना पड़ेगा एटलीस्ट सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में, जहाँ पे भी आपको स्टे मिलेगा। सो यूजली जो यात्रा के नंबर ऑफ डेज होते हैं वो आपको चार दिन रख के चलने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज इट फॉर माई वर्जन ऑफ पैकिंग एंड प्लानिंग फॉर केदारनाथ यात्रा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी केदारनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड आई वुड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप ट्रैवलिंग, एंड जय भोलेनाथ।